अगर आप कल्याण बदलापुर जो कि मुंबई से 50 किलोमीटर दूर है और वहाँ पर आप अगर घूमने के लिए सोच रहे हो या तो वन डे रिटर्न ट्रिप के लिए अगर सोच रहे हो तो आज का ये वीडियो आपके लिए। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ एनएमओ और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल एनएमओ बजट ट्रैवलर और आशा करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो 5 places to visit near बदलापुर। तो दोस्तों फिफ्थ प्लेस पे है बिरला मंदिर जो कि शहाड स्टेशन से 1 से 1.5 किलोमीटर के अंदर ही है। बिरला मंदिर अपने दीवार पे बने हुए कलाकृतियों की वजह से काफ़ी प्रसिद्ध है। यहाँ पर काफ़ी सारी फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है जैसे कि तेरे नाम, गोलमाल अनलिमिटेड, सुहाग जो कि अमिताभ बच्चन की है। और मंदिर के एरिया का जो गार्डन है वो काफ़ी प्रभावशाली है। मुझे यकीन है आपको बिरला मंदिर बहुत पसंद आएगा। फोर्थ नंबर पे है वॉच टावर जो कि बदलापुर में स्थित है, जिसे निरीक्षण मनोरा के नाम से भी जाना जाता है। बदलापुर स्टेशन से ये 10 किलोमीटर दूर है और इसके स्टार्टिंग में ही काफ़ी खूबसूरत चिल्ड्रन पार्क है। वॉच टावर तक पहुँचने का जो ट्रैक है वो 1 से 2 किलोमीटर का है जो कि जंगल से होके जाता है, उससे आपकी जर्नी और इंटरेस्टिंग हो जाती है। वॉच टावर पहुँचने के बाद जो सेटिस्फेक्शन आपको मिलेगा, जो नेचर आपको देखने मिलेगा वो बयां नहीं कर सकता, और वहाँ से लगभग आधा बदलापुर आपको आराम से दिखाई देगा। तीसरे नंबर पे हाजी मलंग जो कि कल्याण स्टेशन से 18 किलोमीटर दूर है। काफ़ी खूबसूरत नज़ारों के बीच ये माउंटेन स्थित है जो कि 3000 फीट ऊंचाई पर है। यहाँ हर साल हजारों लोग दरगाह में चादर चढ़ाने आते हैं और ट्रैकिंग के लिए भी काफ़ी मशहूर है हाजी मलंग। दोस्तों हाजी मलंग जाने के लिए केवल 2 रुपये एंट्री फी है। यहाँ पे रूम्स फॉर स्टेइंग भी आराम से आपको मिल जाएंगे काफ़ी सस्ते दाम में, लगभग 1000 के अंदर ही मिलेंगे आपको। प्रीफर्ड टाइमिंग यहाँ जाने के लिए रेनी सीजन और विंटर सीजन, गर्मी में भी आप जा सकते हो लेकिन पर्याप्त पानी साथ में रखना वरना डिहाइड्रेशन होने के चांसेस। सेकेंड नंबर पे मेरा फेवरेट खंडोबा मंदिर जो कि बदलापुर में स्थित है। इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एक बार ज़रूर चेक करना, काफ़ी अच्छा बना हुआ है ये वीडियो, मुझे यकीन है आपको ज़रूर पसंद आएगा। खंडोबा मंदिर ना कि खाली श्रद्धा का स्थान है, यहाँ पे एज ए स्मॉल ट्रैकिंग के लिए भी आ सकते हो और जो नेचर लवर है उन्हें तो ये जगह काफ़ी पसंद आएगी। और हाँ, यहाँ का सनसेट देखे बगैर बिल्कुल नहीं जाना। एंड द नंबर 1 इज गाइस, जी हाँ, माथेरान। आप में से काफ़ी लोगों ने सही गेस किया होगा। दोस्तों नेरल स्टेशन से माथेरान 13 किलोमीटर है और वहाँ जाने के लिए नेरल से आपको इजीली टैक्सी मिल जाएगी। अगर आपका लक अच्छा हो तो आपको टॉय ट्रेन भी मिल सकती है। दोस्तों माथेरान वन एंड ओनली प्लेस है एशिया में जो ऑटोमोबाइल फ्री हिल स्टेशन है, जहां पर आपको आपकी गाड़ी 2.5 किलोमीटर बाहर पार्क करनी पड़ती है। दोस्तों माथेरान का पूरा साइट सीइंग करने के लिए आपको 2 दिन भी कम पड़ जाएंगे, लेकिन मेरा रिकमेंडेशन है कि यहां का कड़ेवर सा गणपति ज़रूर देखना, मुझे यकीन है दोस्तों माथेरान आपको बेहद पसंद आएगा और आपका वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट्स में ज़रूर बताना कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो। थैंक यू।